खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। गोविंद ठाकुर ने किया पत्रकारों को संबोधित। सोलांग गांव में एक माह में पूरा होगा वैली ब्रिज का कार्य, और कहा कांग्रेस के नेता इस मामले में कर रहे हैं राजनीति। कांग्रेसी विधायक पवन काजल की भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा कदम। विधायक पवन काजल को कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष से हटाया, चंद्र कुमार को किया गया नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। नाहन में हुई भारी बारिश के कारण रेणुका मार्ग पर बाबा बडोलिया में बने झरने ने लिया विकराल रूप, नहीं हुआ कोई नुकसान, मंदिर भी असुरक्षित। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन राज्य कार्यकारिणी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में है, और आने वाले समय में सभी कर्मचारियों को एकजुट किया जाएगा। प्रकाश बादल ने कहा है पिछले 15 सालों से कई कर्मचारी आज भी विभाग में आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सभी कर्मचारियों को एक समान काम के बदले एक समान वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से भी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी तैयार करने की मांग की है। ओल्ड पेंशन स्कीम से उसके समर्थन में उनके साथ बिल्कुल था, और आने वाले समय में मेरा, क्योंकि हम लोग सारे कर्मचारी हैं, वो ये सरकार की नीतियाँ रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कई हिस्सों में बांट दिया है, इस चीज़ों को हमारा ये भी रहेगा कि हम सारे कर्मचारियों को ऐसा कोई रास्ता ढूंढे कि एक मंच पर लाए, और हमारी सब कर्मचारी की अगर समस्या अलग अलग है तो एक मंच से उठाए, तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट में और हम उसको समर्थन भी देंगे। बेशक मैं खुद OPS में आता हूँ, हम दूसरों को भी OPS में लाना चाहते हैं। एक कर्मचारी से आप एक तरह का अगर काम ले रहे हैं तो उसको वेतन भी एक तरह का मिलना चाहिए, सुविधा भी एक तरह की मिलनी चाहिए, दो उसमें कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कई लोग तो हमारे ऑफिस में हमारे तरह के लोग हैं, मतलब मिनिस्ट्री स्टाफ के लोग हैं, आउटसोर्स पर रखे गए, ऐसी बहुत सारी अनियमितताएँ हमारे विभाग में, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। और मैं जो है आपको बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में जो भी पद खाली पड़े हैं एक पदों को हम भरने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और जो भी हमारे मुख्यालयों में हमारी कॉलोनियों के बहुत बुरे हाल हैं, जिसके स्टाफ की कॉलोनियों जो है रिपेयर नहीं होती है, उसमें अधिकारियों द्वारा जो अधिकारियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है, तो हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको लेकर हम काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की है। ताज़ा मामला में मंडी पुलिस ने 1.831 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए कुल्लू के आरोपी की करीब 88 लाख से ज्यादा की संपत्ति सीज की है। बता दें कि इसमें आरोपी के कुल्लू के मलाना में स्थित लगभग 55 लाख रुपये का घर, मलाना में ही एक सरकारी भूमि पर बनाया गया करीब 21 लाख रुपये का होटल, आरोपी और उसके रिश्तेदारों की करीब 12 लाख की 4 गाड़ियां और विभिन्न बैंक खातों शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी आशीष शर्मा ने बताया है कि मंडी पुलिस नशे का काला कारोबार करने वालों को किसी भी रूप में बख्शने वाली नहीं है। अप्रैल 2021 में थाना और की पुलिस ने एक चरस का केस पकड़ा था, इसमें दो आरोपी एक लेडी किरणा और एक चंबा निवासी विक्की पकड़े गए थे। उस केस में जो है जो बरामद कॉन्ट्राबैंड था उसकी बैकवर्ड लिंकेज का पता किया गया, उसमें पाया गया कि इस सप्लाई में तीन और लोग लाला राम, कमलेश कुमार और एक नेपाली भी इन्वॉल्व थे।
इस बैकवर्ड लिंकेज का पता करते हुए जो है पुलिस ने जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो एंटीट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी सबकी संपत्ति जो कब्जा में ली गई है। इसमें एक मकान जो है वो मलाना में था जिसकी कीमत 55 लाख आंकी गई। एक होटल जो उन आरोपियों ने सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था बना दिया था उसकी 21 लाख जो है वैल्यू आंकी गई। इसके अतिरिक्त इन सभी आरोपियों से 4 गाड़ियां जो हैं वो उनको सीज किया गया फ्री, और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी से आदेश लेकर इनको फ्रीज करवाया गया है। इस प्रकार कुल प्रॉपर्टी जो है 88 लाख की प्रॉपर्टी जो है पुलिस विभाग ने कंपिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से फ्रीज करवाया। कांगड़ा के विधायक पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में तमाम नेतागण की अध्यक्षता में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि पवन काजल जो कि कांगड़ा से कांग्रेस के विधायक थे वो भाजपा के संगठन मंत्री के साथ दिल्ली रवाना हुए थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जल्द कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और इस तरह की इस खबर पर अब मोहर भी लग चुकी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दो विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडूता में सीरखड में युवकों को ढूंढने का कार्य तेजी से चल रहा है। बीबीएमबी के गोताखोर, पुलिस की रेस्क्यू टीम और होमगार्ड की डिजास्टर टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर परिजन और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक लापता हुए युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सीरखड से जो दो युवक लापता हुए हैं, सीरखड के किनारे उन युवकों के कपड़े और फोन बरामद किए गए हैं और जो परिजन हैं उन्होंने आशंका जताई है कि वो इस खड्ड में डूब चुके हैं, जिन्हें की रेस्क्यू करने का जो अभियान है लगातार जारी है, उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम घर में आए जब ना ससुराल से, तब पता लगा लड़की से कि वो घर से बाहर गया, वो आया नहीं अभी तक। फिर गांव वाले लड़कों ने मेरे को फ़ोन किया कि आपके लड़के के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप जल्दी से नीचे आ जाओ खाट के किनारे। आप घूमने आए थे कि नहाने के लिए आए थे? पता नहीं था, उन्ना होने और कि किस खातर आए हुए थे। अभी तक नहीं मिले, उम्मीद है जल्दी मिल जाएंगे। हाँ जी, कपड़े तो मिले हैं जी, कपड़ा मिला, टेलीफोन मिला, मोबाइल, डीएसपी तक सब यहाँ पर आए, राजस्व ग्रामीण अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी उन्ना से एक गोताखोरों की टीम आई है, वो दो पोप लेने लगी हैं उन पानी को डाइवर्ट करने के लिए। देखो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमें पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम कल बस फर्स्ट टाइम आया, कभी नदी के किनारे ना आता था ना उसको तैरना आता था, कभी इस प्रकार के उसमें वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। बहुत सरल या सीधा जिसको लड़का कह सकते हैं सांस भाव का था, अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन दुर्भाग्य बस पता नहीं अब किस वजह से वो घर से आया, क्यों आ गया नहाने के लिए, किसी कहने पर आया, अपनी मर्जी से आया, अब ये तो एक रहस्य है जो अपने साथ लेकर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को अपने सिरमौर के एक दिन के प्रवास पर आ रहे हैं और पौंटा साहिब और नाहन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ प्रदेश गठन के 75 वर्ष पूरे होने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे और यह जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष सिरमौर विनय गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। गुप्ता ने बताया है कि जेपी नड्डा पहले पौंटा साहिब में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही हिमाचल की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे, उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। और भारत के बहुत ही महान नेता, हिमाचल प्रदेश के गौरव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत और हिमाचल प्रदेश के 75वें साल के कार्यक्रम के तहत जिला सिरमौर में आ रहे हैं। सवेरे 9 बजे पौंटा साहब में आएंगे और एमसी ग्राउंड में
एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पश्चात नाहन चौगान में 12 बजे आएंगे और एक अपार जनसभा को नाहन में संबोधित करेंगे। इस अमृत महोत्सव और हिमाचल के 75 साल पूरे होने पर हिमाचल तब और हिमाचल अब विकास में हिमाचल ने किस प्रकार से छलांग लगाई है, उसके दृष्टिगत जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की सरकार 75 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में कर रही है, उसके तहत बहुत बड़ी प्रदर्शनी है, उसको दर्शाने के लिए चौगान में लगाई जाएंगी। उसका भी अवलोकन जिला सिरमौर की जनता करेगी और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे और सराहा में भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करेंगे। कुल्लू के सोनांग नाला में एक महीने के भीतर ही वैली ब्रिज का कार्य पूरा कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में जो है आसानी हो सके। और वहां लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मनाली में इस दौरान पत्रकार जो वार्ता हुई है उसको संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है, मनाली विधानसभा क्षेत्र के सोलांग गाँव में 2 बच्चे व्यास नदी में बह गए थे जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिस पर उन्होंने खेद जताया है। और शिक्षा मंत्री ने जिला प्रशासन को भी इस पुल के कार्य के साथ साथ यहां एक महीने के अंदर मोटर योग्य वैली ब्रिज बनाने के निर्देश दिए हैं। सोलंग गांव में हमारे 2 बच्चे बह गए हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और वहां पर मैंने एक बात को देखा कि प्राकृतिक कारणों से कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये जो देखा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग ऐसे सारे समय में भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं और उनकी ओर से स्टेटमेंट्स आई हैं कि इस सब के लिए दोषी स्थानीय मंत्री हैं या इस प्रकार की बातें कही गई हैं, जो कि मुझे लगता अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं तो उस सब के लिए आप डायरेक्टली किसी के बारे में ये कहना वो उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोटरेबल पुल बनना चाहिए। 2010 में विधायक प्राथमिकता में उसको मैंने डाला था और आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं कि उनको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो भी नवाड के अंतर्गत पुल बनते हैं वो प्योरली विधायक की प्राथमिकता ही रहती है और किसी के पास भी ऐसा कोई अतिरिक्त धन देने को नहीं होता है। और इसलिए कि हमने विधायक प्राथमिकता में डाला और विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद फिर नवाड को वो गया और 2014 में नवाड से उसकी अप्रूवल आ गई। हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन घुमारवी में किया गया, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल सहित 4 उत्तरीय क्षेत्रों के प्रभारी सौदान सिंह ने शिरकत की है। बता दें कि भाजपा उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने दीप प्रज्वलित करके बैठक का शुभारंभ किया है। वहीं ऊना के विधायक बलवीर ने उपाध्यक्ष सौदान सिंह को माता की फोटो, शॉल और टोपी देकर उन्हें सम्मानित किया है। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलांग नाला में बीते दिन ग्रामीणों के द्वारा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था उस पर अब जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने भी अपना रोष व्यक्त किया है। तो वहीं बुधवार से ही कुल्लू में जूनियर इंजीनियरों के द्वारा पेंडाउन स्ट्राइक जो है शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश जूनियर इंजीनियरिंग ने इसका विरोध व्यक्त करते हुए कहा है कि वीरवार को हड़ताल करने का जो है एक निर्णय लिया गया है और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी मांग रखी है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा यह दुर्व्यवहार किया गया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपने कल सोशल मीडिया के द्वारा आपको भी पता लगा और हिमाचल की जनता के द्वारा भी देखा गया, तो जो जैसा दुर्व्यवहार ग्रामीणों द्वारा जो है हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ किया गया उसके संबंध सोलंग नाला में जो कि हुआ,
तो उसके संबंध में हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब तक दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको कानूनी रूप से पकड़ा नहीं जाता, तब तक जो है हमारी पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी तथा राज्य स्तर पर कल एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल रहेगी और भविष्य में अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य में इस तरह का आंदोलन जो है जारी किया जाएगा। यह बह गई थी, वहाँ पे दो लोगों की जान चली गई थी, तो सोलंग में जान चली गई थी। हमें मतलब उच्च अधिकारियों और प्रशासन की ने बोला कि आप वहाँ पे जाइए और देखिए कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी। हमने वहाँ पे वैली ब्रिज लगाना था लोगों की सहूलियत के लिए, जो कि 15-20 दिन में बनके तैयार हो जाना था। तो हम फिर ये भी बोला था हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कि ऐसा करना, जब तक 15-20 दिन में वो वैली ब्रिज बनेगा तब तक हम लोगों को अल्टरनेट के लिए वहाँ पे झूला है उसके लिए भी आपने देखना है, चेक करना है कि वो जो झूला है मतलब वहाँ से हम लोगों को क्रॉस करवाएंगे 15-20 दिन के लिए। तो जैसे हम वहाँ जैसे वहाँ पे गया तो मतलब हमें जो गाँव के लोग हैं उन्होंने घेर दिया और हमने बोला कि मैं वैली ब्रिज से मतलब यहाँ पे हम प्राकलन के लिए आए हैं और इसकी रिपेयर के लिए आए हैं। जैसे ही उन्होंने उसका रिपेयर का सुना तो उन्होंने हमें बोला आप ही दोषी हैं, हम आप डिपार्टमेंट वाले चोर हैं। झंडूता उपमंडल के तहत आने वाले तांगड़ी गांव के दो युवकों के सैरखट में डूबने की आशंका जो है जताई जा रही है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही SDM झंडूता कुलदीप सिंह पटियाल पुलिस के टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक किया जा रहा है लेकिन उन लापता हुए युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। जो उनके परिजन हैं, परिजनों ने भी आशंका जताई है कि उनके जो दो युवक लापता हुए हैं वो इस खड्ड में ही डूब गए हैं, क्योंकि इस खड्ड में नहाने के लिए वो उतरे थे और इस खड्ड के किनारे उनके कपड़े और फोन भी बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। हाँ, कल रात को 8 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे दो लड़के, एक 16 साल का था और एक 18 साल का, वो कहीं नहाने गए थे दिन में और शाम तक जब घर नहीं आए तो उनके परिजनों ने तलाश करने की कोशिश की तो उनके कपड़े और की चप्पलें वगैरह यहाँ पे इस खड्ड में पाई गई, जिससे ये शंका जताई जा रही थी हो सकता है वो बच्चे कहीं नाती बार डूब न गए। तो इसके लिए सर्च ऑपरेशन हमने रात को इमीडिएटली खबर मिलते ही उसके बाद हमने स्टार्ट करा दिया था और जिस पॉइंट के ऊपर शंकर चलाई जा रही है वहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है, एक भंबर टाइप है वहाँ पे बड़ा जिसको आड़ बोलते हैं लोकल भाषा में, तो उस पॉइंट के ऊपर पानी का फ्लो कम करने के लिए पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश रात को भी काफ़ी देर तक हम करते रहे लेकिन 1 बजे के आसपास फिर बारिश तेज़ हो गई और फिर अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को हमें अबेंडन करना पड़ा। तो आज सवेरे से फिर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। QRT टीम भी पहुंची है, पुलिस की टीम भी मौके पर है, बाकी डिजास्टर वाली टीम भी हमारी है मौके पर और गोताखोर रेस्पॉन्स करने वाले हैं पूरी तरह। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि सक्सेसफुल इस ऑपरेशन को कम्प्लीट किया जाए। मंडी जिला के उपमंडल बलाय की ग्राम पंचायत बैरकोट के गांव लेदा निवासी 99 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र लाल शर्मा को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित नहीं करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की खबर का असर हुआ है और मीडिया में मामला सामने आने से फजीयत होने के बाद अब बैरकोट पंचायत के प्रतिनिधि जाग चुके हैं। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि आनंद फानन में मंगलवार को यानी कि आजादी के एक दिन के बाद उनके घर पहुंचे, उन्हें सम्मानित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र लाल शर्मा को शॉल और टोपी पहनाकर स्वतंत्रता दिवस के एक दिन के बाद सम्मानित किया गया और उन्हें सम्मानित किए जाने को लेकर उनके बेटे तक को भी जानकारी नहीं दी गई। आज 16 अगस्त 2022 का दिनांक है, हम घर में नहीं थे, काम से गए हुए थे। पंचायत के कुछ प्रतिनिधि हमारे घर में आए, हमारे पिताजी को सम्मानित किया, उनको शॉल और टोपी वगैरह भेंट की और बताया कि कल बारिश होने की वजह से हम नहीं आ सके। जहाँ तक हमें मालूम है या औरों से भी पूछा जा सकता है कि कल कितनी निकट बारिश थी, बारिश बुछ नहीं थी, तो सम्मानित करके चल गए। हम घर में कोई नहीं थे, दो बहुएं थी और हमारे पिताजी थे, तो उन्होंने कम से कम हमको फ़ोन कर देना था अभी आप घर में आए हैं तो हम आ रहे हैं तो हम आपके पिताजी को सम्मानित करेंगे। हमारी अब्सेंस में, हमारी गैर हाजिरी में
वो ये सब करके चले गए। तो कल को तो हो सकता है कि जब हमारे पिताजी यहाँ अकेले रहते हैं, उनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, कल को ये लोग आकर के कुछ और भी कर सकते हैं, किसी से ये प्रकार का इनसे बुला करके वीडियो या इनके दस्तखत ले सकते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके इन कामों को, इन कृत्यों को रोका जाए। काम से 5 बजे जब घर लौटा तो मुझे मालूम हुआ कि आज पंचायत वाले हमारे घर में आए थे। तो आने के बाद उन्होंने हमारे पिताजी को सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद वो चले गए। फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा आए। उसके बाद उन्होंने दोबारा जो शॉल वगैरह, जो टोपी वगैरह थी, उसको दोबारा उनके गले में डाल के टोपी लगाने के बाद उन्होंने दोबारा वीडियो बनाई। मुझे इस बात का बहुत ही शर्म है कि 15 अगस्त होने के बावजूद ये 16 को आए। क्या इनको इतनी याद नहीं थी कि हम 15 को जाएंगे या 16 को जाएंगे? हो सकता है कि आप भी पंचायत वालों जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो 16 को मनाना शुरू किया होगा। ये इस बात का मुझे बहुत दुख है। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि जिला बिलासपुर के औहर क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी पुल की योजना स्वीकृत हुई है, जिस पर लगभग 103 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पुल के बनने से बिलासपुर के सदर, घुमारवी और झंडूता विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा है कि यह धनराशि CIRF से स्वीकृत हुई है और मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी धन्यवाद किया है। आज मैं बड़े हर्ष के साथ आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे औहर क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग थी और बड़े लंबे समय से चली आ रही थी कि हमारे सतलुज के ऊपर भंजवाड़ी से त्रेड़क के लिए एक यहाँ पहले पुराना पुल होता था, वो भाखड़ा बांध बनने के कारण जो है वो पानी में समा गया था। फिर लोगों को आने जाने की दिक्कत बिलासपुर के लिए बहुत होती थी और बहुत बड़ा इलाका जो है यहाँ से कवर होता था। यहाँ के लोगों की इच्छा और मांग के अनुसार हमने प्रयास किया और आज मैं बड़े हर्ष के साथ आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस भंजवाड़ी त्रेड़ चांदपुर सतलुज के ऊपर जो पुल की मांग थी वह पूरी हुई है। उसके लिए हमको CRIF से 103 करोड़ रुपए बजट के रूप में स्वीकृत हो गए हैं और उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एवं हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।